धमपद एक और दो के बाद में कुछ ऐसे प्रश्न आए हमारे पास में। कुछ लोगों ने कहा कि मन को और मस्तिष्क को थोड़ा सा और सरल शब्दों में बताइए, बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत सीधे शब्दों में बताइए कि मन में और मस्तिष्क में अंतर क्या होता है। एक वीडियो हमने इसकी पहले भी बनाई है, मगर वो ऐसी कुछ बात आई है कि और भी सरल करके बताना है मन और मस्तिष्क में अंतर क्या होता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मन, माइंड, चेतना, ये जितनी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मटेरियल नहीं हैं, यानी कि ये कोई पदार्थ नहीं है। और दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, ये चीज़ें वो हैं जो खोपड़ी के अंदर मटेरियल सफ़ेद सफ़ेद सा आपने देखा होगा पिक्चर्स में, वीडियो में, जिसको कहते हैं कि ये मस्तिष्क है वो दिखाते हैं, वो मटेरियल है। दोनों में एक तो बेसिक अंतर ये है। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है या आपके हाथ में जो मोबाइल है, मोबाइल जब चलता है तो मोबाइल पूरी मशीन है और उसके अंदर एक चिप होती है। कंप्यूटर एक पूरी मशीन है, उसके अंदर एक चिप होती है। वो चिप आप ऐसे समझिए कि ये वो मस्तिष्क है, ब्रेन है आपका, और दिमाग है, वो बिजली से चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती हैं जो चलता है, मगर वो तब तक नहीं चलता जब तक कि सॉफ्टवेयर उसमें ना डालें। यानी कि सॉफ्टवेयर अगर आप कंप्यूटर में या मोबाइल में नहीं डालेंगे तो वो कंप्यूटर मोबाइल में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, सारी चीज़ें हैं, वो चलेंगे नहीं। ऐसे ही जो दिमाग है या मस्तिष्क है या ब्रेन है, उसमें जब तक आप मन नहीं डालेंगे, जब तक आप उसमें चेतना नहीं डालेंगे, जब तक उसमें आप माइंड नहीं डालेंगे, यानी कि आपको माइंड मस्तिष्क में डालना है। जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पड़ता है तो माइंड यहाँ सॉफ्टवेयर है, चेतना यहाँ सॉफ्टवेयर है, और जो आपका मन है वो यहाँ सॉफ्टवेयर है जो डालना है आपको चिप के अंदर। चिप क्या है आपकी? वो मस्तिष्क है, ब्रेन है और दिमाग है, जिसमें रक्त संचार होता है, रक्त चलता है। मन में कोई रक्त नहीं चलता। आपने कहावतें सुनी होंगी बहुत पहले से, जो मैं सरल करके थोड़ा सा और बताऊंगा आपको। हम हमेशा कहते हैं मन नहीं लग रहा है, हम कभी ये नहीं कहते कि मस्तिष्क नहीं लग रहा है या ब्रेन नहीं लग रहा है। हम कहते हैं मन नहीं कर रहा है, हम कभी ये नहीं कहते कि ब्रेन नहीं कर रहा है या मस्तिष्क नहीं कर रहा है या दिमाग नहीं कर रहा है। हम कहते हैं दिल नहीं लग रहा है या दिल नहीं कर रहा है। तो दिल को यहाँ मन ही कहते हैं, क्योंकि मन में जो प्रभाव आता है, जैसे ही मन में कोई बात आती है, दिल की धड़कन या तो कम हो जाती है या ज़्यादा, तो हमको ये लगता है कि जैसे हम सोचते हैं उसका असर दिल पर पड़ता है। तो कई बार इसका खासतौर से शायर और कवि जितने भी हैं वो मन को दिल लगा के बात करते हैं, कहते हैं दिल लगा के पढ़ना चाहिए। दिल लगा के कोई कैसे पढ़ेगा? दिल तो धड़कता रहता है, वो तो मशीन है। इसलिए इसका मतलब होता है मन लगा के पढ़िए, कोई ये नहीं कहता कि मस्तिष्क लगा के पढ़िए, क्योंकि मन आप लगाएंगे तो वो मस्तिष्क में जाएगा, तब मस्तिष्क पूरा काम करेगा। मस्तिष्क सभी का अच्छा काम करता रहता है, यानी जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो सबका अच्छा काम करता है। अगर कभी मस्तिष्क खराब होता है, कभी अगर ब्रेन खराब होता है, कभी अगर दिमाग खराब होता है या उसके अंदर कोई कीड़ा आ जाए, तो उसकी सर्जरी करके डॉक्टर ठीक करता है। वो आपकी खोपड़ी में दिमाग, जो आपका दिमाग है मस्तिष्क है, उसको खोलेगा और उसको वो कोई फॉल्ट है या कोई उसमें आ गया है या कोई क्लॉट आ गया है तो उसको ठीक करेगा। मगर मन को ठीक करने के लिए, क्योंकि मन सॉफ्टवेयर है, मन को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मन अपने आप खराब होते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। मौसम खराब है तो मन खराब हो गया, मौसम ठीक है तो मन अच्छा हो गया। कोई काम की इच्छा आपने की, वो नहीं हुआ तो मन खराब हो गया, और वो हो गया तो मन सही हो गया। इसमें ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, मस्तिष्क का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मानसिक विकार जो होते हैं या मानसिक गुलामी जो होती है, मानसिक गुलामी मन से होती है, मन बंधा हुआ होता है। मस्तिष्क सभी आदमियों के खुले हुए होते हैं, जितने भी लोग हैं उनके दिमाग या ब्रेन खुले हुए होते हैं, ठीक काम करते हैं, मगर जब गुलामी आती है तो गुलामी आती है मन से। मन को बांध देते हैं तो वो गुलाम हो जाता है, मस्तिष्क को अगर बांधेंगे तो गुलाम नहीं होगा। ये ठीक ऐसे है जैसे एक घोड़ा, आपने देखा होगा पिक्चर के, बहुत तगड़ा घोड़ा है और उसको आपने खाली एक ऐसी कुर्सी से बांध दिया जो कुर्सी को उठा के वो कहीं भी लेके जा सकता है, मगर चूंकि उसका मन बंधा हुआ होता है, इसलिए वो सोचता है कि उसका कुर्सी से बंधा हुआ है, वो हिलता नहीं, वहीं खड़ा रहता है, वो जाता नहीं। वो उसको मानसिक गुलाम बनाने की आदत डाली हुई है, इसलिए वो मानसिक गुलामी में काम करता है। अगर आप किसी से कोई गंदा काम कराना है, कोई अगर मान लो झाड़ू लगवानी है या कोई चमड़े का काम कराना है या कोई मिट्टी का काम कराना है, ऐसा काम जिसमें बदबू आती है, तो वो मस्तिष्क सभी के अच्छे होते हैं, जो ब्रेन है वो सभी के अच्छे होते हैं। मन अगर तैयार होगा उसका, या मन आपने उसका ऐसा कर दिया है कि वो गटर में उतर जाए, या मन आपने ऐसा उसका तैयार कर दिया है कि वो कूड़ा उठाने के लिए तैयार हो जाए, या मन आपने ऐसा तैयार कर दिया है कि वो
कोई बदबू वाला काम करे तब वो करेगा। मस्तिष्क ठीक है, ब्रेन ठीक है, खोपड़ी के अंदर सभी, इसी खोपड़ी के अंदर सभी के जो मस्तिष्क हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, मगर मन अगर वो उसका आज़ाद है और मन उसका ठीक है तो वो नहीं उठाएगा, और अगर मन उसका गुलाम है तो वो उठाएगा। इसलिए मन में बहुत सिंपल सा एक फैक्टर है कि मन को बहुत सारी चीज़ों से बदला जा सकता है, उसको बहुत सारी चीज़ों से गुलाम बनाया जा सकता है और उसको बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद भी किया जा सकता है। इसलिए जितने ज्ञानी और संत पुरुष हुए हैं उन्होंने साफ साफ कहा है, मानो तो गंगा ना मानो तो बहंगा बहता पानी, यानी कि मन से अगर आपने पानी को गंगा मान लिया तो वो गंगा हो गई, वरना तो वो बहता पानी है। इसलिए कहते हैं कि मनन करना चाहिए, मनसा मनन करना चाहिए, मन का ही भ्रम होता है और मन के भ्रम को ही दूर करना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मन अलग चीज़ होती है और मस्तिष्क अलग होती है। भगवान बुद्ध ने जो काम किया वो मन के लिए सारा काम किया, उनका 45 साल का, और उन्होंने लोगों को मानसिक गुलामी से बाहर निकाला, मन को आज़ाद किया, मन की जो बेड़ियाँ थी वो खोली, वो प्रैक्टिस कराई, वही विपश्यना का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। धन्यवाद।